हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक नई कहानी, हिंदी कहानी त्याग। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने परिवार के खातिर अपनी खुशियों का त्याग करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी त्याग। तो हमारी नायिका का नाम है पायल, उम्र यही कोई 32-33 साल। पायल की आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसका मन हामी भरने के लिए तैयार न था कि उसका पति दूसरी शादी करे। दिल में एक चुभन ऐसी कि शादी के 10 बरस हो गए पर अभी तक वह माँ न बन पाई। उसने लोगों के बताए सब जतन किए, जितना संभव था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह माथा टेका, पर उसकी कोख आबाद ना हुई। दुर्भाग्य ऐसा कि 7 वर्ष की रही होगी पायल तब उसकी माँ चल बसी। चाचा चाची ने उसको पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, शादी की, पर उसकी किस्मत एक बार फिर उससे रूठ गई। घर परिवार के लोग उसके पति की दूसरी शादी करने के लिए दबाव डालने लगे। पहले तो उसने विरोध किया पर बाद में अपने आप से ही समझौता कर लिया, क्योंकि खुद को बाँच कहलाना उसे मंजूर नहीं था। दिल पर पत्थर रखकर उसने पति की दूसरी शादी के लिए हामी भर दी। सासू माँ के दूर के रिश्ते की लड़की भी ढूंढ ली गई। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। परिवार के लोग भी बहुत खुश थे। पायल का पति मन महसूस कर शादी के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उसका प्रयास यही रहता था कि पायल के दिल को कोई चोट ना पहुंचे। कुछ भी करने से पहले वह पायल से पूछ लेता, फिर उस काम को करने के लिए आगे बढ़ता था। सुबह से ही बारात जाने की तैयारियाँ होने लगी थी। साजो सामान के साथ दुल्हन के लिए एक से एक कीमती कपड़े और जेवर अटैची में रखे जाने लगे थे। पायल का दिल अंदर ही अंदर कचोट रहा था, पर किस्मत की मारी बेचारी एक औलाद के नाम पर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। जेवर रखते हुए सासू माँ ने पायल से कहा, देखो पायल, सब ठीक है ना? दुल्हन को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तुम्हें ही सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा उसका। उसे किसी प्रकार से यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह दूसरी है, क्योंकि तुम्हारी ही खुशी के लिए वह इस घर में राजू की दूसरी बीवी बनकर आ रही है। अगर फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। पायल ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए यह कह दिया, जी माँ जी, मुझे पता है। वह मन ही मन बोली, मुझे यह भी पता है कि मैंने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन क्या करती, दुनिया के मुंह से बात सुनने से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। पायल ने भी बढ़ चढ़कर सभी शगुन के काम किए। पति को दूल्हे के भेष में देखकर उसका सीना छलनी हो रहा था, पर वह अपने जज्बातों को दबाए उसके आगे पीछे दौड़ रही थी। नई दुल्हन विदा होकर आंगन में उतरी, मुँह दिखाई में सभी रस्में निभाई जा रही थी। सासू माँ ने अपने बटुए से 2 गले का सेट निकाला। उनके हाथों में 2 सेट देख बड़ी बुआ ने टोका, भाभी, मुंह दिखाई में दुल्हन को एक ही सेट दोगी ना, फिर यह दूसरा सेट किसके लिए? पायल के लिए और किसके लिए? सासू ने कहा। बुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, दुल्हन यह है कि पायल? मेरी नज़र में तो दोनों ही नई दुल्हन हैं। मैं अपनी दोनों बहुओं को एक समान भाव से देखूँगी। पायल ने हमारे खानदान की खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। पायल की आँखों में आंसू थे। सासू माँ ने खींच कर उसे गले से लगाया। पायल भी रोए जा रही थी, पर सासू माँ भी पायल का दर्द समझ सकती थी, आखिर वो भी तो एक औरत थी। नई दुल्हन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को रोता देख लिया था और वह सब कुछ भाप गई थी। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार विदा हुए और दुल्हन अपने को परिवार के अनुसार ढालने लगी। फिर वह दिन आया, नई दुल्हन गर्भवती हुई। घर परिवार में उत्सव का माहौल हो गया। पायल तो खुशी से पागल हुई जा रही थी। वह दिन रात नई दुल्हन का ध्यान रखने लगी। फिर वह दिन आ ही गया, नई दुल्हन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। माँ और बच्चे घर आए और नई दुल्हन ने दोनों बच्चे पायल की गोद में रख दिए। अब एक बार फिर पायल की आंखों में आंसू थे, इस बार वो खुशी के आंसू थे। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए ब्लॉग में। तो टिल देन, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग चारू ब्लॉग उत्तराखंड।